अपन ने एक सर्कल बनाया, उसे डायगनल में डिवाइड कर लिए यहाँ पे इसका बेस। अब देखो ये है उसका सर्कल का एक, इमेजिन करो सर्कल ये जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसे फिर वर्टिकली भी डिवाइड करो, यहाँ पे हल्के तरीके से, बहुत हल्के हल्के तरीके से डिवाइड करने हैं, बहुत डार्क में। अब सेम तरीके से ये जो जा रहा है डायगनल, यहाँ से चेहरे के आगे से ये जो हिस्सा है, ये एक लाइन समझो, ये वाली जो एक लाइन जा रही है इस डायरेक्शन में है, यहां से भी, हाँ इसी डायगनल पे इस तरीके से बना लो लाइन। अब वो कितनी लंबी जाएगी वो अपन एक हिसाब लगाते हैं कि सर्किल अपना इतना है, ठीक है, नियरली उसके हाफ तक। तो सर्किल का अगर रेडियस इतना है तो उतने ही नीचे, तो लगभग लगभग यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन ने चिन वाला पोर्शन का कट मारा। अब चिन बहुत बड़ी तो है नहीं, यहाँ पे आई और पीछे की तरफ चली गई। तो ये वाला जो पोर्शन रहता है सर्किल का, ये है यहाँ पे एक, देखो जब अपन फ्रंट फेसिंग बनाते हैं तो यह इसे डिवाइड करते हैं, लेकिन अभी अपन थोड़ा साइड फेसिंग है। तो अपन जब सर्किल बनाते हैं तो इसको ईयर्स को इसी के अंदर कंसिडरेशन में लो। अब आईब्रोज के लिए अपन ने ये बनाया है, ठीक है, तो ये आईब्रोज के नीचे ही है। तो ये वाला जो सर्किल आएगा तुम्हारा ओवल वाला, ये थोड़ा इधर पे ओवरलैप करेगा, ओके, इस तरीके से एक अपन रफ स्ट्रक्चर सा बना रहे, ठीक है। अभी फिर ये नीचे की तरफ आया जॉ लाइन, और फिर इसे यहाँ की तरफ ऐसे टर्न दे दो, ये तुम्हारा चिन वाला पोर्शन, और यहाँ से कर्व आ जाएगा। अपन को समझ में आ जाएगा कुछ टाइम टाइम में कि अपन ने ज्यादा लेंथ ले ली या कम लेंथ ली, ठीक है। लेकिन एक ये रफ स्ट्रक्चर सा जो है वो बन जाता है अपना, थोड़ा ये पीछे की तरफ जो आ रहा है नेक वाले पोर्शन में कर्व, ये ऐड करो चेहरे में, ये कर्व आया, ओके। तो अपन को क्या है, ये है आईब्रोज वाला पोर्शन, फिर उसके नीचे ये क्या आएगा, आईज वाला पोर्शन, फिर यहाँ पे ये क्या आएगा, नोज वाला, ठीक है। अपन ने ये नोज के लिए रखा था, ये बनाएंगे मस्टेश, ये रहेगी इसकी लोअर लिप, और ये रहा इसका चिन वाला पोर्शन। इस तरीके से देखो, कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं है कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 2.5, नहीं, प्रोपोर्शंस पे ध्यान दो। कि अगर आईज ऐसा ना हो कि पता है आईज बहुत बड़ी है लेकिन उसके कंपैरिजन में जो उसकी नोज है वो बहुत छोटी हो गई, नहीं, जबकि नोज लंबी है, आईज यहाँ पे छोटी छोटी, ये वाली कम दिख रही है, ये ज्यादा दिख रही है, ठीक है। तो ऐसे अगर अपन लाइन खींचेंगे तो ये वाली लाइन आईज जो है वो यहाँ के आसपास आएंगी, तो जो हैट है वो आईब्रो की लाइन से थोड़ा ऊपर, तो ये जो हैट वाली लाइन आ रही है वो यहां से आएगी ऐसे, ठीक है। तो पेंसिल इस तरीके से पकड़ो। तो अपन ने क्या किया, अपन ने डिविजन्स बना दिए और एक रफ आइडिया ले लिया। तो इतना करो, तो अब इसकी हैट को देखो जरा, हैट इसकी कहां तक जा रही है, यहाँ इसके थोड़ा जो सर्कल बनेगा एटलीस्ट थोड़ा और ऊपर है यहाँ पे। तो हैट का जो ओवल है अपन ने ये बना, अब हैट इतनी भी पीछे नहीं है कि बहुत पीछे से ला रहे हैं, नहीं, जैसे ये हेड है यहाँ से, फिर ऐसे ऊपर उठी और यहाँ पे ज्वाइन हो गई, ये थोड़े फोरहेड के थोड़े आगे है इस तरीके से, ये वैसे ऊपर उठी और हाँ ये ऐसे कर्व करते करते आ गई, ठीक है। अब देखो आते हैं स्ट्रक्चर पे, नोज देखो, नोज के 3 पॉइंट हो, 1, 2, 3, तो ये ट्राइंगल टाइप बन गया। तो वही चीज करनी है अपन को, यहाँ पे नोज है ऐसे उठेगी, ये ट्राइंगल टाइप बनाना है, तो यहाँ पे आएगा ये, फिर नोज का ये पीछे का बेस जहाँ सर्कल को टच कर रहा है, और ऐसे, ठीक है, ये यहाँ, तो ये नोज के लिए बना। आईज वाला थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है, ये हुआ। फिर मस्टेश वाला जो रीजन है वो एकदम नोज से मत चिपकाना, थोड़ा नीचे लेना, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, ये वाला नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ये ऐसे बंद, फिर लोअर लिप वाला रीजन यहाँ पे रहेगा ऐसे मस्टेश वाले के नीचे, ठीक है। देखो मैं कुछ फेयर नहीं बना रहा हूँ, मैं बस एक रफ रफ शेप ऐड कर रहा हूँ, ओके। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, जो आईज वाला पोर्शन है ये वाला छोड़ दो, ये वाली आईज को देखो अगर जूम करके, और तो होने का ये किस डायरेक्शन में बन रही है, जैसे यहाँ है तो यहाँ से ऊपर, फिर ऐसे नीचे, फिर यहाँ से और ऐसे, तो
ये एक रफ डायरेक्शन अपन ने आइस की बना ली यहाँ पे, ओके बहुत ज्यादा एकदम डिटेल की जरूरत नहीं है, सेम लेकिन यही चीज जो अलाइनमेंट है वही एक अलाइनमेंट यहाँ पे आइस को, यहाँ पे एक आइस जो आएगी उन्हें देना जरूरी है। तो ये नेक वाला पोर्शन आएगा, नेक वाला भी ऐसे बहुत मोटा नहीं रखना है, ठीक है किया है। इस तरीके से शर्ट की कॉलर वाला रीजन, तो ये ऐसे वी शेप आ रहा है, ठीक है तो यहाँ से लाओ और नीचे की तरफ ऐसे निकाल दो इसे, फिर यहाँ चिन से आ रहा है, एक रफ सा हिसाब रखना, अभी बहुत कुछ फेयर फेयर नहीं आना। इस तरीके से पेंसिल पीछे पकड़ो, ये रफ, ठीक है ये शर्ट की कॉलर वाला। अब बोटाई वाला रीजन जो है, ठीक है इस तरीके से बोटाई का एक रफ सा स्ट्रक्चर, पूरा नहीं बनाना है, ऐसे एक रफ सा स्ट्रक्चर बना लो बोटाई का, ठीक है। फिर जो वी शेप आ रहा था यहां से, जो वो यहां कंटिन्यू होगा और ऐसे नीचे यहां ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है एक और इस तरीके से क्रॉस कर रहा है वी शेप के अंदर। फिर जो शोल्डर पे जा रहा है, शोल्डर वाला ऐसे बाहर निकला, ऐसे कर्व करते हुए निकलेगा थोड़ा सा, ठीक है। और फिर नीचे की तरफ ये स्ट्रेट, ये टाई के नीचे से इस तरीके से ये अंदर की तरफ डायगोनल में कर्व, ये शोल्डर की तरफ पीछे गया और ये वी शेप जिस तरीके से आ रहा था, ओके। फिर यहाँ से कुछ ज्यादा खास नहीं है, यहाँ से बस ऐसे जो चिन वाला पोर्शन है वहां से ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये अपन ने नीचे वाले पोर्शन के लिए बना दिया। यहाँ पे भी कर सकते हो कि इस तरीके से थोड़े डायगनल्स का अपोजिट डायरेक्शन टाइप दिखा लो, ओके और फिर ये अपना हो जाता है। तो ये जो अपना बना है अभी, ठीक है ये एक तरीके से एक रफ स्ट्रक्चर टाइप है, ओके ये जो अपन ने बनाया एक रफ स्ट्रक्चर टाइप है। इसमें अब अपन धीरे धीरे एक एक फीचर ऐड करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपन हैट से, ठीक है हैट आएगी, उसके बाद सही टाइप उसकी फोरहेड आईज से आएंगे, फिर नोज पे आएंगे, लिप्स पे आएंगे, चिन पे आएंगे। इस तरीके से अपन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर या सेंटर से स्टार्ट कर लो, ठीक है सब व्यक्ति अपने अलग अलग करते हैं। तो तुम्हें ये दो चार स्केच बनाने का समझ में आ जाएगा कि ऊपर से नहीं हो रहा। अगर मैं नोज से स्टार्ट करूँ, नोज आईज लिप्स सही आ जाए मेरे, तो मेरा पूरा फेस सही आने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से सब अपना अपना ढूंढते हैं, तो ट्राई करते रहो, ओके। तो पहले इतना बनाओ।